भैरुंदा ग्राम गुल्लरपुला की आंगनवाड़ी में बच्चों को हफ्ते में एक या दो दिन ही मिलता है खाना। भैरुंदा तहसील के ग्राम पंचायत गुल्लरपुरा में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव की आंगनवाड़ी हफ्ते में एक दो दिन ही खुली मिलती हैं, जिनमें बच्चों को भोजन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। आंगनवाड़ी खोलने का कोई टाइम टेबल नहीं है। गाँव वालों ने आरोप लगाया कि बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों के हक का भोजन नहीं मिल रहा है तो कहाँ जा रहा है? जिम्मेदार लोग आंगनवाड़ी नहीं जाते हैं, आंगनवाड़ी में ताला लगा रहता है, बच्चे आते हैं और गेट पर ताला देखकर वापस लौटकर चले जाते हैं। जिम्मेदार अधिकारी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। वहीं गांव वालों का कहना है कि हफ्ते में दो दिन ही आंगनवाड़ी खुलती है, बच्चों को सिर्फ दो दिन ही खाना मिलता है, वह भी अच्छा नहीं मिलता। इस संबंध में जब महिला बाल विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही की बात कही। तो कड़ी चावल और मंगलवार को खीर पूड़ी। कौन है मैडम यहाँ के देखने वाले? देखने वाले सर कोई भी नहीं है, ये तो सब अपने मोहल्ला के भाई उन्हें देखते। मैडम ये मैडम का नाम क्या है जो है? मैडम वो ममता मैडम। क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। ममता मीना समाज। और दूसरी मैडम? दूसरी वो भी मीना समाज, साई का भाई वो भी मीना समाज है। वो क्या सावित्री नाम है ना? वो भी खेड़ा की रहने वाली है, यहाँ की नहीं है। खेड़ा गायत्री, गायत्री नाम है। तो यहाँ रहते हैं कि वो खड़ा में रहते हैं? नहीं रहते, वो तो नहा भी चल जाते हैं और नहा भी रहते हैं। अच्छा, दो जगह रहते हैं। हाँ, जबी तो आंगनबाड़ी आदि बात उसकी खेती की किसानी सब वही की है, तो कभी कभी चल जाती है, दो चार आठ दिन में जाती है। क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हैं? आंगनबाड़ी खुलना चाहिए बच्चे बच्ची उनके, जब सरकार दे रही तो भोजन मिलना चाहिए ना बच्चे उनको। बोलते कि ऊपर से आती नहीं है, कहने जाती तो भाई इनके आ रही नहीं, ऊपर से नहीं आ रही है। हाँ, ऐसे क्यों बोल रही है? क्या नाम है आपका? बतेसी। कहाँ के निवासी हो? नहीं ठीक। क्या समस्या है? समस्या ये सर, सब अच्छे से खाना नहीं मिलते, परेठा भी छोटे छोटे देते बना के, पूड़ी भी जर जर से बना के। रोज खुलती है क्या आंगनबाड़ी सर? कभी खुलती कभी नहीं खुलती। देखते रहे सर? अच्छा, आज भी नहीं खुली है? आज भी नहीं खुली। ये क्या बोल रहे हैं? मतलब हफ्ते में एक दो बार खुलती है। कौन है मैडम यहाँ के? मैडम सर नाम है उनका जो यहाँ पे आंगनबाड़ी देखते हैं? ममता मैडम। एक काम करो सर, गुल्लरपुरा में कुछ शिकायतें आ रही हैं आंगनबाड़ी को लेकर के, कि वहाँ पर जो आंगनबाड़ी है समय पर नहीं खुल रही है, वो खुलती ही नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास इस संबंध में कोई शिकायत खराब नहीं है, पर आप बता रहे हैं कि इसकी जाँच करा। मेरा भ्रमण नहीं हुआ गुल्लरपुरा में, सबको पहले के प्रति मैं विशेष रूप से गुल्लरपुरा का जेल नंबर ऐसे, बाकी हमारे जो ऐप है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो भी फोटो डाल और ऐप में जो भी लगाने का प्रावधान है तो उसमें आया नहीं है। अच्छा, दूसरा यह है कि वहाँ पर भोजन भी नहीं मिल पाता। हाँ, भोजन के वो आपने कहा बंद है, तो फिर वो पूरी जांच करेंगे केंद्रों, हाँ मतलब समग्रता में ही करेंगे जाँच। और भोजन मिलता है तो बच्चों को भरपेट नहीं मिल पाता, और खुद ही थाली धोते हैं? नहीं, बर्तन धोने का सहायता था आंगनवाड़ी के लिए बता रहे। नहीं, बच्चे हमें जब देखा तो बच्चे खुद अपनी प्लेटें धो रहे हैं। नहीं, आंगनवाड़ी का आप बता रहे थे बंद जी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।